आज हम बनाएंगे ग्रीन बीन्स की सब्जी। ग्रीन बीन्स जिसे हम हरी फली भी कहते हैं, विटामिन और फाइबर से भरपूर होती है। होला अमिगोस, कोमो स्तान, नमस्ते। मैं हूँ संगीता और आपका स्वागत है पिकांते कुरी में। सेंट्रल अमेरिका से आप तक लेकर आती हूँ भरपूर स्वाद और मजेदार रेसिपीज। ग्रीन बीन्स की सब्जी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। इसमें हम मसालों का तड़का लगाते हैं जो इसका स्वाद और भी बढ़ा देता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैकेट बीन्स की ली है। हमने सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद हमने बीन्स को कट कर लेना है। तो हमने बीन्स को दोनों साइड्स को काटना है। ये देखिए, ये धागा जैसा हिस्सा निकाल लेना है। अब हम इन्हें चॉप कर लेते हैं। आप चाहें तो थोड़े बड़े पीसेस कट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। जब तक हम सारी बीन्स को चॉप कर रहे हैं, आप ये बताइए कि आप किस खूबसूरत देश से हमारी वीडियो देख रहे हैं। कमेंट में जरूर बताइए, पढ़कर बहुत खुशी होगी। देखिए, बातों बातों में सारी बीन्स चॉप हो चुकी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम लेंगे एक प्याज और इसे फाइन चॉप कर लेंगे। और अब लेंगे एक टमाटर, इसे भी फाइन चॉप कर लेंगे। और लेंगे आलू, इसे छीलकर छोटे पीसेस कट कर पानी में डालकर रखेंगे। हमने गैस को ऑन कर कढ़ाई रखेंगे। इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल को अच्छी तरह से गरम कर लें ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है ना, वो निकल जाए। अब तेल को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और जीरे को डांस करने देंगे। फिर डालें चॉप लहसुन। मेरे हस्बैंड को इसका टेस्ट बहुत ही पसंद है। अब डालें 1 टीस्पून चॉप अदरक और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमने स्लो फ्लेम कर इसे पकने देना है और साथ ही डालें पिंच हींग। अब डालें फाइन चॉप प्याज जो हमने थोड़ी देर पहले चॉप किया था ना, ये डालकर अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और हमने गैस की फ्लेम को हाई करके इसे थोड़ी देर तक भूनना है। हमने ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेना है। देखिए, प्याज का थोड़ा कलर चेंज हो गया है। तो ये स्टेज पर हम डालेंगे आलू जो हमने थोड़ी देर पहले कट किया था। आलू डालकर इसे प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसे कवर कर लेना है और थोड़ी देर तक इसे पकने देना है। ये देखिए, आलू के ऊपर कलर आ गया है, थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो गया है। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। अब मसाला डालेंगे 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इसे मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले आलू और प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ डालेंगे फाइन चॉप टमाटर जो हमने थोड़ी देर पहले चॉप किया था ना। आप चाहें तो टमाटर को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, पर चॉप करके डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। टमाटर डालकर सबके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फ्लेम हमने स्लो ही रखना है। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी, बोले तो 2-3 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ ताकि ये मसाले कढ़ाई को चिपके ना और जले ना। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले और थोड़ी देर के लिए ढककर पकने दें। देखिए, आलू लगभग 80% सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ बीन्स जो हमने कट की थी ना, यहाँ डालेंगे। बीन्स डालने के बाद इसे भी आलू, मसाला और टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
और फिर इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकने देना है। जब तक ये पक रहा है, आप सच सच बताइए, क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है? अच्छा, आपने किया है, थैंक यू सो मच। ओ, आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी कर ले और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं, आप सबसे पहले देख सकेंगे। अब भी थोड़ी सी कसर बाकी है, तो यहाँ हम डालेंगे हाफ कप पानी। पानी डालकर मिक्स करें और फिर से थोड़ी देर के लिए कवर कर पकने दें। सब्जी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। यहाँ डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला, एक बार मिक्स कर ले। परफेक्ट, रेडी टू सर्व। इसे हम सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ग्रीन बीन्स की ये मसालेदार सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसमें आलू और टमाटर के साथ मिलाकर मसालों का एक यूनिक फ्लेवर आता है जो सबको पसंद आएगा। ये सब्जी विटामिन और फाइबर से भरपूर है जो आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे चपाती, पराठा या चावल के साथ सर्व करके आप अपने खाने का मजा और भी बढ़ा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ये फेवरेट रेसिपीज में से एक बन जाएगी। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हास्ता लुएगो, नमस्ते।